तालाब में कृपया निर्माल्य और पूजन सामग्री न डालें। हम लोगों ने इसके लिए अलग से कुंड बनाए हुए हैं, कृपया उन कुंडों का उपयोग करें और वहाँ डालें। दूसरी चीज़ ये थी कि बारिश के कारण सभी तालाबों में पानी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोगों ने सुरक्षा के उपायों की दृष्टि से बैरिकेटिंग तो की है, लेकिन फिर भी मेरा अनुरोध है कि छोटे बच्चों को लेकर और बाकी अपने परिवारजनों को लेकर कृपया तालाब के निकट बिल्कुल न जाएं, क्योंकि यहाँ जितने तालाब हैं इन सब की गहराई 10 से 20 फीट औसतन गहराई है और किनारों पर भी बहुत गहरे हैं ये, तो इसीलिए यहाँ पर जाना खतरनाक हो सकता है। हमने सभी जगह आवश्यक चेतावनियाँ लगाई हैं, बैरिकेटिंग की है, लेकिन फिर भी मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि कृपया तालाबों के निकट न जाएं। हमने वहाँ पर वॉलंटियर्स लगाए हुए हैं, आप गणेश जी को, निर्माल्य को उनको दे दें, वो उसको व्यवस्थित रूप से उनको विसर्जित करने की कार्रवाई करेंगे। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि गणपति विसर्जन में निर्माल्य इधर उधर ना फेंकें, पूजन सामग्री इधर उधर ना फेंकें और तालाबों के निकट ना जाएं, दूर से ही विसर्जन की प्रक्रिया आप संपादित करें।